मध्य प्रदेश आ रहे पर्यटकों को ओछा के साथ साथ जबलपुर में भी रिवर राफ्टिंग का अब उठा सकेंगे लुत्फ। जबलपुर के बरगी बांध में रिवर राफ्टिंग की हुई शुरुआत, लोग उसका आनंद लेंगे। मैया की गोद में 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक राफ्टिंग करेंगे और इसके कारण टूरिस्ट यहाँ बढ़ेगा। टूरिस्ट के बढ़ने से बाकी जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी भी संपन्नता में अंतर आता है। मंदिर में चोरी की वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस चौकी से मात्र 1 किलोमीटर दूर मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने दान पेटी से नकदी और जेवरात पर हाथ किया साफ। पशु औषधालय के हाल बेहाल, जर्जर अवस्था में पहुंचा पशु औषधालय। हादसे की आशंका बड़ी, पशु पालक कर रहे भवन की मांग। ये 1992 से बना हुआ है और यहाँ मतलब कभी भी गिरने का डर रहता है, तो हम मैं बाहर खिड़की पे बैठ के कुर्सी पे बैठ के बाहर ही ओपीडी फाड़ता हूँ। यहाँ रोज 4-5 जानवर आते हैं और उनका इलाज होता है 10 रुपए की पर्ची काट के। शहर में ठंड का कहर बरकरार, गायों को ठंड से बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने की पहल। गौवंश को जूट की बोरे बांधकर ठंड से बचाया जा रहा। बेमित्रा इंदौर गैंगरेप मामले का फरार आरोपी विपिन भदौरिया बेमित्रा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से धारदार हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार। बेमित्रा सिटी कोतवाली थाने की पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी के विरुद्ध 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं दर्ज। ये जो एरिया है एग्रीकल्चर कम्युनिटी जिला है, गरीब परिवार यहाँ रहते हैं, बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं, शहरों को राज्य के लोग वो आते हैं, फिर बना कुछ ला के करके शादी करके लेके हो जाते हैं, फिर वहाँ से उनको गलत काम करवाते हैं। आदिवासी बाहुल मंडला में मजदूरों के शोषण का मामला आया सामने। विधायक अशोक मजकोले को मजदूरों ने सुनाई आप बीती, विधायक ने श्रम अधिकारी को लगाई फटकार। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी पर भारी, स्वास्थ्य महकमे का घूसखोर कर्मचारी, रिश्वत नहीं मिलने पर रोक दी ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप। जानकारी होते ही कलेक्टर ने किया निलंबित। ये प्रसंग दृष्टया इसको सत्य पाते हुए इसके बैंक स्टेटमेंट की प्रति देखकर इनको निलंबित किया गया और आगे इसकी जांच की जा रही है। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर इसके विरुद्ध और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस ट्रक की आमने सामने भिड़ंत, कई यात्री घायल। बस और ट्रक के चालकों को आई गंभीर चोटें, पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। तकलीफ पूरा होने की वजह से 407 और बस का भिड़ंत होगी, जिसमें 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। इनका यहाँ अस्पताल आकर इसका इलाज किया कराया जा रहा है। गंभीर रूप से 2 लोग घायल हैं, बाकी लोग नॉर्मल चोट हैं और जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोटला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आवास योजना के नाम से बायोमेट्रिक मशीन से अंगूठा लगवाकर धोखाधड़ी करने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार। अबेदुल्लागंज में टोल कर्मियों ने लाठी डंडों से वाहन चालक पर किया हमला। हमले में चालक के पैर टूट गए और उसे गंभीर अवस्था में भोपाल रेफर किया गया। जरा टोल पे टोल कटा करके आगे बढ़े तो कांटे पे ले जाने को लेकर इनका कुछ विवाद हुआ, जिससे टोल कर्मियों के दौरान से मारपीट की गई, जिससे कुछ छोटे आई थी उनसे मेडिकल वगैरह कराया। धर्मपुरी में शासकीय कार्यकर्मी के दौरान नगर परिषद के कर्मचारी के साथ की गई अभद्रता के मामले में पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ किया मामला दर्ज। उसके दौरान जेसीबी को रोका गया और अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई। उसी को लेकर आज नगर परिषद द्वारा थाने में जाकर FIR दर्ज करवाकर प्रक्रम संबंधित कराया गया। उज्जैन के महाश्वेता नगर में सतोरियों के अड्डे पर छापा, 10 सतोरियों से 1,70,000 रूपये बरामद, महंगी शराब भी जब्त।
कैश बरामद हुआ है, उसकी कार्रवाई चल रही है काउंटिंग की और कुछ महंगी शराब भी उसने। स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा, एम्बुलेंस लेकर पहुंचे पिकनिक मनाने। हसदेव नदी की नर्सरी में मनाई पिकनिक, लोगों के बीमार पड़ने पर नहीं मिलती है एम्बुलेंस, सरकारी गाड़ी का किया जा रहा दुरुपयोग। नगर परिषद के 40 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय की दो महिला कर्मचारियों से परेशान होकर धरने पर बैठे। नगर परिषद की दो महिला कर्मचारियों को हटाने की मांग को लेकर 6 माह से चल रहा है विवाद। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर कोई प्रकरण दर्ज करा देंगे। इस वजह से हम इनके साथ काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। रिजर्व में पर्यटकों से भरी जिप्सी पलटी, 4 पर्यटकों समेत गाइड और ड्राइवर घायल। जंगल में तेज रफ्तार से जिप्सी चलाने से हुआ हादसा। पंच नेशनल पार्क में सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन ने ली अंतिम सांस। एक साथ 5 शावकों को दिया था जन्म, 10 साल में 29 शावकों को दे चुकी जन्म। ग्वालियर के जय विलास पैलेस में शौर्य दिवस का आयोजन। जिन वीरों की गाथाओं को इतिहास में नहीं मिली जगह, ऐसे वीरों को किया गया याद। प्रणाली जो भारतीय फौज की ट्रेनिंग होती है उसमें किस तरह अपनी जो ग्लोरियस हमने अनेक 90 से ज्यादा युद्ध लड़ो सिंधिया महाराज ने जीते, उसको किस तरह मजबूत कर सकते हैं जिससे वो लोग जाने कि महाजी महाराज ने उस समय कैसे लाहौर पे अपना कब्जा किया, ये हमने सुबह किया। और शहर के वकीलों की अनूठी पहल, गुलाब का फूल देखकर लोगों से मास्क लगाने की अपील। अनूठी पहल को लोगों से मिल रही सराहना। बच्चों के भविष्य पर पलीता लगा रहे लापरवाह शिक्षक। बच्चों को निःशुल्क वितरित होने वाली किताबें रद्दी में बेची, कुछ युवकों ने कबाड़ वाले से पकड़ी किताब। शासकीय किताबें पाई गई, जो ऑटो चालक से पूछा गया तो बताया गया कि ये स्कूल द्वारा हम लोगों को कबाड़ में बेची, जो बच्चों के लिए निःशुल्क वितरण की जाती है लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा तो कबाड़े में बेच दी गई। देवी गौशाला में गौवंश की मौत, शहर कांग्रेस ने दोषियों पर FIR के लिए थाने का किया घेराव। गौशालाओं में व्यवस्था दुरुस्त न करने पर निगम अफसरों का घेराव करने की दी चेतावनी। नाबालिग से दरिंदगी का मामला आया सामने, 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर कुएं में धकेला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इसमें प्रकरण प्रतिबद्ध कर लिया है और जो आरोपी फरार है उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और हमने 4 टीमें लगाई हैं और बहुत जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देख कांग्रेस के महासचिव और समाजसेवी ने पुलिस कर्मियों को भेंट किए मास्क और सैनिटाइजर। 5,000 उच्च कोटि के मास्क और 200 लीटर सैनिटाइजर किए भेंट। आज मैंने 5,000 N95 मास्क और 200 लीटर सैनिटाइजर और 100 फेस शील्ड पुलिस विभाग को सौंपी है। भोपाल अहमदाबाद के बीच की फ्लाइट में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बचाई पैसेंजर की जान। पैसेंजर की पत्नी ने विक्रांत भूरिया को दिया धन्यवाद। को
कोरिया में एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने संभाला पदभार। एसपी ने अलग अलग वर्ग के लोगों से की मुलाकात, कहा हर मंगलवार को होगा जनदर्शन का आयोजन। और भी कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं, आप उसके भी मेरी निगाह है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो अवैध गतिविधियां हैं उनका संचालन करेंगे। भोपाल में दो छात्रों पर 3000 रुपए के लिए पड़ोसी ने किया हमला, पीछे के दरवाजे से घर में घुसकर 9वीं के छात्र का गला दबा। हमारे द्वारा 452 का केस रजिस्टर किया गया, उनके घर में उनसे मारपीट अटेम्प्टेड मर्डर करके रजिस्टर किए। आरोपी जो रहता है साथ में खेलने वाला है, वो पड़ोस में रहता है।